6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से। सीधी मां कांग्रेस के बहुप्रतीक्षित सूची के ऐलान हो चुका है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंथन चल रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा ऐसा भा कि ज्ञान सिंह चौहान के नाम सामने आ गया है। ज्ञान सिंह चौहान लगातार जो है सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता रहे, फेओ के बाद जिलाध्यक्ष के पद संभालिन और 2023 के अब ऊँ बतौर प्रत्याशी विधानसभा सामने बन के आए गए। तविंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बहम करी तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पहुंचे बता दी सीधी के सियासी हालात की यदि बात की जाए तो एक महामुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखे को मिली, जहां कांग्रेस से एक ओर ज्ञान सिंह चौहान जिलाध्यक्ष कांग्रेस है तो दूसरे ओर सांसद रीति पाठक भाजपा से बतौर जो है प्रत्याशी मैदान में उतारी गई है। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच यह सीधा और कड़ा और बड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां भाजपा और कांग्रेस कौनों मतलब कहा जाए कोर कसर या विधानसभा चुनाव में जीते खातिर न छोड़ी। रीति पाठक के एक साक्षात्कार अपना का याद हुई भोपाल में कि उनके द्वारा कहा गया रहा कि यह सीट कैसा जीतब, तो उनके द्वारा एक शब्द बहुत बड़ा कहा गया रहा कि साम दाम दंड भेद यह बात कही गई रही। अब लगभग लगभग वह स्थिति कांग्रेसों के पास ही कि साम दाम दंड भेद, अब साम दाम दंड भेद से हुई यह पूरी लड़ाई, कहे कि सीधी के ये कहा जाए यह लड़ाई यह तय करी कि सीधी के सियासी भविष्य का हुई। लगातार जो उन्हें दावा किया जा रहा कि यह ब्राह्मण की सीट आए या ठाकुर की सीट आए या एकर सीट आए या उकर सीट आए, यह केहू की सीट न हो या आम जनता की सीट आए। अब बेहद दिलचस्प मुकाबला देखे को मिली है सीधी सीट में, कहे कि भाजपा और कांग्रेस इन दोनों कहा जाए सीधी इन्हीं के बीच में लड़ाई है और सीधी लड़ाई में सीधी अब फंसी है। हालांकि देर रात समर्थकन के बीच में पहुंचे कहे कि लगभग 12-12:30 बजे ये सूची आई और कयास ये लगाए जा रहे कि ये सूची काहे अटकी काहे लागी, कहे कि सूची अटके के लेके MP संदेशो न्यूज 24 के पास जो है एक सूत्र रहा, जहां जो विधायक है सीधी के केदारनाथ शुक्ला उन्हों के नामन के अटकल लगाई जा रही कि कांग्रेस कहो उनका या उनके पुत्र का टिकट दे सके थी, लेकिन वह सूत्रन से प्राप्त जानकारी रही। लेकिन वह सूत्र के बाद जो है लगातार फोन के दौर शुरू भा और अंततः वह टिकट जो है जारी भय जोने माँ ज्ञान सिंह चौहान के नाम के ऐलान भा। सीधे तौर पर अपना को समझे पड़ी कि सीधी सीट इतनी आसान नहीं है, लगभग 2.5 लाख मतदाता की यह सीट माँ 60-70% मतदान होते हैं, जोने माँ ब्राह्मण बाहुल्य छत्री बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासीन के एक तरफा वोट है, OBC एक बड़े निर्णायक वोटर के साथ वह मौजूद है। तो अपना का समझे पड़ी कि सीधी के सियासत में एक बे महासंग्राम देखे को मिली और यह महासंग्राम के साक्षी बनी सीधी के जनता और सीधी के मतदाता। अब देखा दिलचस्प हुई कहे कि 17 नवंबर का यह मतदान हुई और 3 दिसंबर का परिणाम ही, तो अपनों नज़र बनाए रखी कहे कि चुनाव के मतलब। MP संदेश न्यूज 24, तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। जिस तरह से माता परमेश्वरी की कृपा से सभी नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं कोशिश करूंगा ये विश्वास उन्होंने ज्ञान से ऊपर नहीं किया है, ये विश्वास सीधे जिले के हर युवाओं को, आज एक युवा को टिकट देके, और सबसे बड़ी बात मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी एक विभाग में अकाउंटेंट थे और एक साधारण परिवार के सदस्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टिकट मिलना विधानसभा का, ये अपने आप में संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संगठन के व्यक्ति को, संगठन में काम कर रहे लोगों को ध्यान देती है, इससे एक पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा। मैं
आभार व्यक्त करने के साथ साथ सीधी जिले के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से ये निवेदन करूंगा, ये जो विश्वास हमारे नेता जनता है, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे 20 साल में मध्य प्रदेश को नरक बना दिया है, आज हम सबको लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यह लड़ाई ज्ञान सीखने की है, आज यह लड़ाई एक एक कार्यकर्ता का है। यदि एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से जिस तरह से पार्टी और नेताओं ने विश्वास किया है, हम खड़े होंगे।